भी बता देंगे। ठीक है, अब मेन चीज क्या है हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट में। बहुत सारे बच्चों का ना एक क्वेश्चन मेरे पास बार बार रिपीट होके आया, क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट को करने के दो तरीके हैं, एक तो नेट प्रॉफिट, हम नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ले लें, ठीक है, और एक हम ले लें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। सर ये क्या है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम? काफी बच्चों के सवाल आए ये। सबसे पहले इसको समझ लेते हैं, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या है और ये कहां देखने को मिलता है। ये जब हम हमारा बैलेंस शीट होता है ना, तो बैलेंस शीट के अंदर आपके सामने मान लेते हैं न्यू वाली बैलेंस शीट का थोड़ा सा फॉर्मेट दिखा दूं, तो रिजर्व एंड सरप्लस का जो पार्ट होता है, इस रिजर्व एंड सरप्लस के पार्ट में मिल जाता है, समझे, रिजर्व एंड सरप्लस के पार्ट में जो ये वाला नेट प्रॉफिट दे रखा होता है ना, स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस। सर स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस, सर हमेशा ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है जो हम पिक कर लेते हैं। दूसरा, हमें स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस जो है, स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस में आपने देखा होगा नेट प्रॉफिट आता है, इसके बाद माइनस टैक्स हो जाता है, फिर नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है। तो ये वाला जो प्रॉफिट पिक करते हैं ये होता है आफ्टर। लेकिन कई सारे मैक्सिमम किताब में जो है ये पैटर्न फॉलो किया जाता है और कई सारे मैक्सिमम किताब में ये पैटर्न फॉलो किया जाता है। तो सर इसके अंदर, क्योंकि ये वाला प्रॉफिट, चूंकि मैं बताऊं यहां पर 2000 रुपए और अगर मैं यहां पर बताऊं 4000 और 2000 रुपए का टैक्स है और 2000 बच गया, या 1000 रुपए का टैक्स है और 3000 बच गया, कितने बच गए हमारे 3000, 1000 का है और 3000 बच गया। अगर मैं आपसे बोलता हूं, अगर मैं बोलता हूं कि ये वाला प्रॉफिट है और इसी प्रॉफिट को लेके हमें करना है, तब तो ये वाला आफ्टर टैक्स वाला हो गया। अगर मैं बोलता हूं ये वाला प्रॉफिट आपको गिवन है और इसी प्रॉफिट के सहारे करना है, तो आफ्टर टैक्स हो गया। लेकिन सवाल बच्चों का ये आता है कि सर बिफोर टैक्स वाला कैसे होगा? उसके लिए हमें इस प्रॉफिट को पहले बिफोर टैक्स बनाना पड़ेगा, यानी इसके लिए एक छोटा सा हमें क्या करना पड़ेगा, वर्किंग, तब जाके ये बिफोर टैक्स बनेगा, और बिफोर टैक्स बनने के बाद फिर हम सवाल को स्टार्ट कर पाएंगे। इसलिए जितने भी सवाल मैंने कराए वो आफ्टर टैक्स है, ताकि एक एक्स्ट्रा जो नोट बनाना पड़े वो बनाने की जरूरत ना हो। तो सर क्या एक्स्ट्रा नोट बनेगा? तो अगर आपको एक्स्ट्रा नोट बनाते हो तो ध्यान देना आप, तो हमें क्या करना पड़ता है बिफोर टैक्स बनाने के लिए? बिफोर टैक्स बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान से समझिएगा। बोला गया कि आप इस प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे। साहब आप क्या करेंगे, इस प्रॉफिट को पहले कैलकुलेट करेंगे, फिर आप जो आपका CFS है, जो आपका CFS है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है, उस कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर उस नेट प्रॉफिट को पुट करेंगे, दैट इज नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स के नाम से, और यहां लिख देंगे। लेकिन ये प्रॉफिट यहां लिखने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बिफोर प्रॉफिट आपको क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा, तब यहां लिख सकते हैं। ठीक है, कैलकुलेट करने का क्या पैटर्न है ये देख लीजिए, बहुत सीधी सी बात है। क्योंकि हम नेट प्रॉफिट में, नेट प्रॉफिट में बहुत सारी, मैं यहां लिख लेता हूं, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये आपको गिवन है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो कि कहां गिवन है साहब, बैलेंस शीट में गिवन है।
क्योंकि बैलेंस शीट के अंदर जो प्रॉफिट गिवन होगा वो कौन सा होगा, हमेशा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होगा। तो आफ्टर टैक्स का सिलसिला क्या होता है कि जो हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स होता है ना, बिफोर टैक्स, उसके अंदर कुछ चीजों को माइनस कर दिया जाता है जो रिजर्व एंड सरप्लस के नोट में होता है, जैसे डिविडेंड को माइनस कर दिया जाता है। तो जो रिजर्व एंड सरप्लस के नोट में होता है, तो सर इसमें से कुछ चीजों को माइनस अगर हम कर देना आफ्टर टैक्स में से, कुछ चीजों को हम जैसे कि समझाने की कोशिश करता हूं, थोड़ा बस यही टॉपिक मैं कराने वाला हूं आज। मान लेते हैं मेरा सेल्स है, सेल्स है मेरा 10 लाख रुपए का, ध्यान देना, और मेरा एक्सपेंस है टोटल परचेज वगैरह लगा के 6 लाख रुपए, तो बताइए मेरा नेट प्रॉफिट क्या हो गया, बताइए नेट प्रॉफिट क्या हो गया, 4 लाख। क्या अभी इसमें से टैक्स माइनस है? नहीं माइनस है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसमें से क्या माइनस करूंगा, टैक्स माइनस करूंगा, दैट इज आपका टैक्स, मान लेते हैं कि आपका 20% है, तो कितना माइनस हो गया, 80,000। 80,000 माइनस करने के बाद क्या आ गया हमारा, 320, दैट इज इट नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। लेकिन बात यहीं तक नहीं रुकती कि नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये वाला बैलेंस शीट में होता है, बैलेंस शीट में जो प्रॉफिट देता है ना, इसमें से कुछ और भी बातों को माइनस कर दिया जाता है, कुछ अन्य और एक्स्ट्रा बातों को माइनस कर दिया जाता है। सर ऐसा क्या है जो कुछ और बातों को माइनस कर दिया जाता है? तो ध्यान दीजिए, इसमें से माइनस कर दिया जाता है हमारा डिविडेंड, डिविडेंड माइनस कर दिया जाता है, लेट्स एग्जाम्पल के 50,000 का डिविडेंड है, और क्या माइनस कर दिया जाता है, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, लेट्स एग्जाम्पल के 20,000 रुपए का ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व है, और क्या माइनस कर दिया जाता है। अब मैंने डिविडेंड लिखा है ना, तो डिविडेंड हमारा इंटरिम डिविडेंड भी है, और कौन सा डिविडेंड हमारा, प्रपोज डिविडेंड, दोनों ही हमारा, ठीक है ना। और क्या माइनस कर दिया जाता है सर, और माइनस कर दिया जाता है हमारा इनकम टैक्स रिफंड, या माइनस ना करके इनकम टैक्स रिफंड को मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, प्लस और माइनस का सिंबल लगा देता हूं, प्लस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, अगर हमारा, चलो माइनस करते हैं। अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम होता क्या है सर, बड़ी देर से आप बोल रहे हो, या हो सकता है ये मान लेते हैं 2,000 रुपए, ये फायदा हुआ तो प्लस कर दिया, और नुकसान हो गया तो 1,000 रुपए माइनस कर दिया, दैट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। मुद्दे की बात आती है सर, व्हाट इज द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम वो होता है, देखो नाम देखना, एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा का मतलब, एक्स्ट्रा का मतलब ज्यादा, ऑर्डिनरी आइटम, सर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का मतलब बड़ी सिंपल सी बात है, वो आइटम जो कि ऑर्डिनरी से थोड़ा सा ऊपर है, यानी बिजनेस से रिलेटेड नहीं होता, बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, और ये अचानक से हो जाने वाला होता है, दैट इज, मैं सिंपल से वर्ड में बोलूं तो एबनॉर्मल, एबनॉर्मल आइटम। सर एबनॉर्मल हमारे दोनों चीजें हो सकती हैं, सर एबनॉर्मल हमारा प्रॉफिट भी हो सकता है सर, और एबनॉर्मल हमारा, एबनॉर्मल हमारा क्या हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। सर एबनॉर्मल क्या होता है, ऐसा आइटम जैसे कि अर्थक्विक हो गया, अर्थक्विक से हमारा क्या हो गया, नुकसान हो गया, तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का आइटम का पार्ट है। लॉस बाय फायर हो गया, ये किसका पार्ट है हमारा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का पार्ट है, क्योंकि लॉस बाय फायर हमारा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का पार्ट है। और इसी तरीके से देखा जाए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन, तो उसमें साफ साफ लिखा होता है, गेन कई बार हो जाता है हमें, जैसे कि किसी कंपनी का कुछ ऐसे इंटरनल ट्रांजेक्शन करने की वजह से हमें गेन हो जाता है, तो ये होता है हमारा, यानी बेसिकली वो रूटीन बेसिस पे प्रॉफिट होने वाली चीजें नहीं है, जो रूटीन बेसिस पे नहीं होती और रूटीन के बाद भी आपको देखने में एबनॉर्मल लगे, जैसे कि अर्थक्विक का मैंने एग्जांपल लिया, या फिर आपका मैंने फ्लड का एग्जांपल ले लो, कि एकदम से बाढ़ आ गया और आपका पूरा बिजनेस तबाह हो गया, नुकसान हो गया, बाढ़ जाने के बाद प्रॉफिट एंड लॉस तैयार करेंगे, उसके अंदर वो सारा नुकसान तो आप दिखाएंगे दिखाएंगे, तो वो कौन सा नुकसान है, वो एबनॉर्मल लॉस है। अर्थक्विक से हो गया तो वो कौन सा नुकसान होगा, एबनॉर्मल लॉस होगा। तो हम क्या करते हैं, अगर हमारा फायदा हो रहा है एबनॉर्मल से, तो हम प्रॉफिट में प्लस कर देते हैं, क्योंकि ये प्रॉफिट आ गया हमारा, प्रॉफिट के बाद डिविडेंड होल्डर को मिल गया, और अगर प्रेफरेंस डिविडेंड है तो उसको भी दे देंगे, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड को मान लेते हैं 10,000, ठीक है। इसके बाद डिविडेंड हो गया,
ट्रांसफर जनरल रिजर्व, क्योंकि इसी प्रॉफिट के बाद जनरल रिजर्व में ट्रांसफर होता है, इसके बाद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का माइनस प्लस किया जाता है, उसके बाद फाइनली जो नेट प्रॉफिट आता है, नेट प्रॉफिट, ये प्रॉफिट कौन सा है सर? साहब ये प्रॉफिट बैलेंस शीट में देखा जाता है। और एक बात और, ये वाला टैक्स कौन सा है पता है? ये वाला टैक्स जो पेमेंट कर रहे हैं वो वाला नहीं है, ये टैक्स तो हमने अभी इस पे लगाया है, और आपको मैंने बताया था जो इस नेट प्रॉफिट पे टैक्स होता है इसका पेमेंट तो इस साल हो ही नहीं सकता, इसका पेमेंट कब होता है? नेक्स्ट ईयर। तो इसका मतलब ये वाला नेट प्रॉफिट कौन सा है हमारा? मेड। और ये कौन सा है हमारा? करंट ईयर। तो आपको अच्छे से पता है करंट ईयर का नेट प्रॉफिट हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या करते थे, पुराने वाले जो कि अभी फॉर्मेट चल रहा था, तो मैं उसी से कोऑर्डिनेट करूंगा। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि आपको समझ में आ रहा है कि हम इस तरीके से नेट प्रॉफिट निकालते हैं, नेट प्रॉफिट के बाद इनकम टैक्स को माइनस कर देते हैं, उसके बाद हमारा कोई डिविडेंड है तो वो भी माइनस कर देते हैं, फिर जो डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर का हो, चाहे इंटरिम हो चाहे परपोज, वो भी माइनस कर देते हैं, अगर कोई पैसा जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर रहे हो, DRR में ट्रांसफर कर रहे हो किसी में, उसको माइनस कर दिया जाता है, क्योंकि ये सारे पैसे हमारे कहीं ना कहीं एलोकेट हो रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे पास से जा रहा है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी से अगर प्रॉफिट हो गया तो ऐड कर देंगे, और अगर नुकसान हो गया तो, और कई बार इनकम टैक्स रिफंड से भी पैसा आ जाता है, हमने टैक्स गलती से ज्यादा भर दिया तो वो भी आ जाता है। तो पैसा अगर इनकम टैक्स रिफंड से आ रहा है तो एक तरीके से प्रॉफिट है, तो हम उसको क्या कर देते हैं? प्लस इनकम टैक्स रिफंड मान लेते हैं 2000 रुपए। ये सब करने के बाद हमारे पास कितना आया? 3 लाख में से 1 लाख माइनस हुआ, 2,20,000, 2 लाख, 1.5 लाख, और 1.5 लाख में से हमारे, नहीं ये तो प्लस, एक मिनट, ये माइनस है, इसमें एक प्लस है, ये प्लस है सिर्फ, ठीक है। तो 3 लाख में से हमने माइनस कर दिया 20,000, तो 3 लाख और 1 लाख, और ये 1.5 लाख बच गया। 1.5 लाख में हमने दो और दो माइनस हो गया, तो कितना बच गया? ये 149 जो भी बच गया, देखो कैलकुलेशन पे भी नहीं जाते। ये प्रॉफिट हमें देखने को मिलता है सर, कहाँ देखने को मिलता है? बैलेंस शीट के रिजर्व एंड सरप्लस में। ये वाला प्रॉफिट देखने को मिलता है बैलेंस शीट के रिजर्व एंड सरप्लस में। क्या आप समझ पा रहे हो? आपने देखा होगा पहले कैसे ना कैसे करके। अगर मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल दिखाऊं कि मैं कहां की बात कर रहा हूं, तो मेरे पास कोई किताब है, चलिए मैं दिखाता हूं, कोई सवाल दिखा देते हैं आपको। मेरे पास एक जेआर मोंगा की किताब है, इसका एक सवाल दिखा देता हूं। मैं सिर्फ समझाना चाहता हूं कि डिफरेंस क्या है, क्योंकि बहुत बच्चों ने सवाल पूछा, और सवाल पूछ पूछ के बच्चों ने, और मैं यही बोलता रहा, मैं समझा दूंगा बता दूंगा। चलिए आपको अभी क्वेश्चन दिखा देते हैं, ये देखिए आप सबके पास भी होगा किताब, हाँ ठीक है, विजुअल है। आप देखिए यहां पे ना ऐसा होता है ना, रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस के नीचे क्या होता है हमारा? नेट सरप्लस होता है। रिजर्व एंड सरप्लस में रिजर्व फिर सरप्लस, और ये सरप्लस में हमें दे रखा है कितना सर? 3,30,000 और 48,000। ये वाला प्रॉफिट कहां से आया? समझ पा रहे हो? ये वाले प्रॉफिट की बात कर रहा हूं, 30,000। ये प्रॉफिट कहां से आया सर? ये प्रॉफिट हमारा ये वाला प्रॉफिट होगा जो नीचे मैंने बताया। ये प्रॉफिट कौन सा होगा सर? ये प्रॉफिट हमारा ये वाला प्रॉफिट होगा जो मैंने बताया है, ये वाला प्रॉफिट। यानी ये वाला जो प्रॉफिट इसके अंदर आ रहा है, जो बैलेंस शीट के अंदर प्रॉफिट आ रहा है, इसके अंदर सर डिविडेंड भी माइनस है सर, इसके अंदर से इनकम टैक्स भी माइनस है सर, इसके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम भी एडजस्टमेंट लग गया है, सारी चीजें माइनस प्लस हो गया। अब कुछ बच्चे कहते हैं, और ये चीजें इस प्रॉफिट में से माइनस है, इसलिए जब हम कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी करते हैं, जब हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालते हैं, और अगर मैंने प्रॉफिट कौन सा कंसिडर कर लिया है, साहब मैंने प्रॉफिट अगर कंसिडर कर लिया है, कौन से वाला? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वाला। तो आफ्टर टैक्स वाला ये हो चुका है, और इसमें से हम अगर बात करते हैं, एक्सपेंस है, सेल्स है, और ये आ गया था नेट प्रॉफिट, ये आ गया था टैक्स, ठीक है। अगर हम बात करते हैं, ये टैक्स की बात करते हैं, तो टैक्स हमारा इस वाले प्रॉफिट में से माइनस है, और इसमें पैसा नहीं गया था, दैट्स व्हाई हम इसको क्या कर रहे हैं, ऐड कर लेते हैं हमारे जो हमने सीखा है फॉर्मेट में। सर डिविडेंड यहां से माइनस है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है, दैट्स व्हाई यहां पे हम प्लस कर देते हैं। सर जनरल रिजर्व ट्रांसफर माइनस है, ये पार्ट हमारा प्रॉफिट का है ही नहीं, दैट्स व्हाई क्या करते हैं, वापस से प्लस कर देते हैं। इसके बाद सर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का ट्रीटमेंट बताया नहीं, लेकिन अब हम क्या बनाने जा रहे हैं? प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, यानी यहां पहुंचना चाहते हैं। सर यहां पहुंचने के लिए जो जो चीजें आपने माइनस करी है, वापस इसमें क्या कर दो आप? प्लस कर दो, पहुंच जाओगे। तो हमने क्या करा, नेट प्रॉफिट में ऐड कर दिया
परपोज डिविडेंड ऐड कर दिया, परपोज डिविडेंड यानी सिर्फ डिविडेंड बोल दे सर, ऐड कर दिया ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, सर ऐड कर दिया इनकम टैक्स रिटर्न, इनकम टैक्स रिफंड, सर ऐड कर दिया आपका इनकम टैक्स, कौन से वाला, करंट ईयर वाला, सर ऐड कर दिया प्रॉफिट ऑन एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, सर लेस कर दिया लॉस ऑन एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, लॉस। इसके बाद जो हमारे पास प्रॉफिट निकल के आया, इसके बाद जो निकल के आएगा, आप ध्यान से देखो, जो चीजें ऐड किया था उसको मैंने लेस किया था, उसको ऐड कर दिया, और जो चीजें ऐड किया था उसको लेस करके और ये प्रॉफिट निकाला, तो ये वाला प्रॉफिट कौन सा हो गया होगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। हमें दे रखा है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो कि कहां से पिक कर लिया होगा, बैलेंस शीट में से। इन सभी आइटम को कर देते तो क्या बन जाता है, बिफोर टैक्स। और आप ध्यान से देखो तो ये सारी चीजें मैं क्या करता था, मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर ही करके दिखा देता था। तो जब ये सारी चीजें मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर मैं कर रहा हूं, तो क्या मुझे बिफोर बनाने की आवश्यकता है, या ऑटोमेटिक उसी स्टेटमेंट में बिफोर बन गया था, वो बन गया था। तो सवाल दो तरीके से होते हैं। कई बार मुझसे बच्चा सवाल पूछता है, सर आपने डिविडेंड को प्लस करना बताया था, लेकिन सवाल में तो डिविडेंड प्लस कर ही नहीं रखा, क्योंकि वो जो सवाल के अंदर वो नेट प्रॉफिट इस वर्किंग नोट को कहीं ना कहीं करेंगे, ये वर्किंग नोट करेंगे कहीं ना कहीं, और यहां से ये वाला नेट प्रॉफिट उठा लेंगे। जब भाई मेरे ये वाला नेट प्रॉफिट उठा लिया है, तो क्या डिविडेंड दोबारा ऐड करने की आवश्यकता है क्या स्टेटमेंट में, कैश फ्लो स्टेटमेंट में? नहीं है। तो इसलिए आप जब सवाल देखते हो ना, तो कई बार देखोगे सर नेट प्रॉफिट में ना तो डिविडेंड ऐड किया, आप तो बोल रहे थे ऐड होगा, ना तो ट्रांसफर जनरल रिजर्व बोल रहे थे, आप तो बोल रहे थे ऐड होगा, ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का कोई ट्रीटमेंट आपने बोला था ऐसा होगा, लेकिन आपने ये चीज ध्यान नहीं दिया कि वहां पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिखा हुआ है। जब ये बात लिखी हो ना प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो कहीं ना कहीं उस किताब में एक बार ये भी देख लेना, कहीं ना कहीं ये वाला वर्किंग नोट या किसी अकाउंट के फॉर्म में बना के दे रखा होगा। तो जो हम कर रहे हैं ना वो भी 100% ठीक है, जो इन्होंने किया हुआ है ये भी 100% ठीक है। ये मेरा बताना इसलिए पर्पस था, चार नंबर का एक सवाल आ जाएगा, पूरा बैलेंस शीट वगैरह दे देगा, बोलेगा कैलकुलेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, मैंने कह दिया बिफोर इंटरेस्ट, कैलकुलेट प्रॉफिट बिफोर बिफोर टैक्स एक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, इंटरेस्ट का कोई रोल नहीं होता है इसमें, इंटरेस्ट का कोई रोल नहीं होता, क्लियर है आपको? तो ये निकाला है वर्किंग नोट में हमने, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। देखिए आपके 10 ईयर में भी मैंने इस वाले पैटर्न से भी मिलेगा आपको सवाल, और दूसरे वाले पैटर्न से भी पुराने से मिलेगा। पहले बताइए इसमें कोई डाउट, समझ में आया? यानी आपने जो सीखा है 100% ठीक सीखा है, बस उसका थोड़ा सा हिस्सा कैलकुलेटिव अलग कर देते हैं कई बार कुछ बुक वाले, और कुछ हिस्से को अलग लेके चलते हैं, इसलिए आपको बुक के अंदर कई बार ये देखने को नहीं मिलता। मैं सिर्फ क्लियरिटी दे रहा हूं कि जो बच्चे बुक वगैरह प्रिफेयर करते हैं या कहीं से कर रहे हो या कोई सॉल्यूशन देख लिया हो इंटरनेट पे, तो वो परेशान हो जाते हैं कि सर ने ये कराया था लेकिन कैश फ्लो में ऐसा कुछ, सर ने तो बताया जो था यहाँ पे कुछ और हो रहा है, बहुत क्वेश्चंस आते हैं इसके ऊपर। तो मैंने आपको ये चीजें बता दी, किसी को कोई दिक्कत है? एक एग्जाम्पल अगर हम ले लें इसके ऊपर, मैं खुद ही बना लेता हूँ एक एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ले लेते हैं तो हमें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। यानी सर अगर हम ये वाला प्रॉफिट लेते हैं किसके अंदर, कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर, कौन सा प्रॉफिट लिया हमने, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब दे रखा है आपको डिविडेंड, डिविडेंड पेड दे रखा है 20,000 रुपए, क्या डिविडेंड पेड आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी में अब ऐड करोगे? डिविडेंड पेड दे रखा है, पहले क्या सीखा था, डिविडेंड पेड ऑपरेटिंग में ऐड, फाइनेंसिंग में माइनस। अब मैंने प्रॉफिट बिफोर टैक्स दे रखा है आपको, तो क्या मैं डिविडेंड वापस से ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड करूंगा? मैं नहीं करूंगा, क्योंकि जब बिफोर टैक्स मैंने लिखा है तो पहले ही कहीं ना कहीं वर्किंग नोट में डिविडेंड पेड को ऐड कर दिया होगा कहीं ना कहीं, और अगर आप यहां पे भी दोबारा ऐड कर देते हो तो डबलिंग हो गई। आपको दे रखा है जनरल रिजर्व बढ़ गया, क्या यहां जनरल रिजर्व दिखाओगे?
आपको दे रखा है, आपको दे रखा है आपका फॉर एग्जाम्पल प्रपोज डिविडेंड पेड, क्या यहाँ पे ऐड करोगे? आपको दे रखा है लॉस ऑन अर्थ क्यूब, क्या यहाँ पे करोगे आप? नहीं करोगे, ठीक है ना। अब हमारे वाले फॉर्मेट के अंदर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम का कोई ट्रीटमेंट नहीं कराया गया था, ठीक है। तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम का क्या ट्रीटमेंट करना है आपने? अगर प्रॉफिट दे रखा है एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम से तो आप क्या कर दोगे वहां पे? प्लस कर दोगे। और लॉस दे रखा है तो क्या कर दोगे आप? माइनस, नहीं मैंने गलत बोल दिया, अगर क्योंकि हम यहाँ पे प्रॉफिट दे रखा है तो क्या करेंगे यहाँ पे? ऐड हम यहाँ पे कर रहे हैं, और लॉस दे रखा है, नहीं यहाँ पे थोड़ा सा गलत कर दिया, गलत कर दिया, चिंता मत करो, यहाँ पे हमने प्रॉफिट को ऐड किया था ना, प्रॉफिट देखो यहाँ ऐड किया था मैंने, यहाँ प्रॉफिट ऐड किया था, तो यहाँ पे हो जाएगा प्रॉफिट लेस और ये हो जाएगा ऐड, थोड़ा सा फॉर्मेटी गलत हो गया तो, क्योंकि उल्टा हो रहा था ना नीचे से हम जब ऊपर जा रहे थे बैक में। तो अगर हमारे वाले फॉर्मेट की बात करते हो तो मेरे वाले फॉर्मेट में लिख लेना ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, और जनरेशन वगैरह में जाने की जरूरत नहीं है आपका, सिर्फ जो नेट प्रॉफिट वर्किंग कैपिटल से पहले वाला जो पार्ट था ना उसी के अंदर हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे हम क्या? लॉस ऑन एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, क्या ऐड करेंगे? लॉस ऑन एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, और लेस क्या करेंगे? प्रॉफिट ऑन, और एक इनकम टैक्स रिफंड भी हमारा वहीं पे क्या होता है? ऐड हो जाता है। इनकम टैक्स रिफंड को दो जगह माइनस किया जा सकता है, या तो आप इसी प्रॉफिट के अंदर ऐड कर दीजिए वापस, या सबसे लास्ट में जहां पे इनकम टैक्स पेड करते हैं ना वहां पे भी ऐड कर सकते हैं, मैंने वहां पे शायद करवाया हो, मुझे अभी एग्जैक्ट याद नहीं है, तो वहां किया जा सकता है। बताइए पॉइंट क्लियर है आपको? समझ में आ रहा है सारा? अब इस क्लास के अंदर सबसे आपको एक मान के चलो ये नोट आपको वीडियो से ही करना पड़ेगा, जैसे भी करो आप, क्योंकि इसका क्लास नोट्स आपको कोई भी प्रोवाइडेड नहीं होगा, क्लियर है। तो जो बच्चे ऑफलाइन है वो फटाफट से इसको नोट कर ले, क्योंकि नोट्स तो मिलेगा नहीं आपको, तो इसको नोट कर लो फटाफट। करिए नोट, 2 मिनट लगने, नोट कर लीजिए। हाँ बच्चे कह रहे हैं कि सर अगर हम वर्किंग नोट ना बनाना चाहें तो, हाँ बिल्कुल, मैंने इसलिए वर्किंग नोट बनाने से बचने के लिए सिर्फ मैंने बताया था ये इनकम टैक्स रिफंड को। ये लेस ही कर दो, हाँ लेस होगा, सही कह रहे हो, लेस होगा क्योंकि यहां पे हमने ऐड किया होगा ना, तो वहां पे लेस हो गया, एक पार्ट ऑड कर दिया। अच्छा मैंने इसको कर दिया, ये तो ऐड ही था भाई साहब, और ये लेस हो जाएगा यहां के लिए। लेकिन अगर ये वाला पॉइंट हम किसमें करते हैं? आफ्टर टैक्स वाला जब लेके करेंगे तो वहां पे इनकम टैक्स रिफंड ऐड हो जाता है। मैं 7 क्वेश्चन बच्चे ने कहा 10 ईयर का, तो उसी को शॉर्ट आउट कर देते हैं, मैं दिखा देता हूं, मिटा दिया जाए। चलिए मैं क्वेश्चन दिखा दूं, देखिए क्वेश्चन 7। क्वेश्चन नंबर 7 में सारी जानकारी गिवन है, और एक ये लाइबिलिटी साइड है, और यहाँ पे सरप्लस क्या कहता है सर? सरप्लस कितने हैं हमारे? 25,000, देख पा रहे होंगे सरप्लस क्या है हमारा? 25,000। इसका मतलब ये वाला जो प्रॉफिट दे रखा है इसके अंदर सब कुछ हो चुका होगा, डिविडेंड डिविडेंड हो चुका होगा, सब कुछ हो चुका होगा। अब मैं इस प्रॉफिट को बनाना चाहता हूँ बिफोर टैक्स, तो बिफोर टैक्स बनाने के लिए पहले मुझे ढूंढना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन के अंदर क्या कोई डिविडेंड है, क्या प्रोविजन फॉर टैक्स का कुछ ट्रीटमेंट है। तो प्रोविजन फॉर टैक्स कौन सा होगा? करंट ईयर वाला, वापस इसमें क्या हो जाएगा हमारा? ऐड हो जाएगा फॉर्मेट के अकॉर्डिंग, और एडजस्टमेंट के अंदर प्रपोज डिविडेंड भी हो जाएगा हमारा, प्रोविजन फॉर टैक्स ड्यूरिंग द ईयर ये भी हो जाएगा हमारा, देखो प्रपोज डिविडेंड दे रखा है इसका भी ट्रीटमेंट करेंगे, डेप्रिसिएशन का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, बोनस शेयर का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, डिबेंचर का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, और कुछ आइटम इसके अंदर गिवन नहीं है। तो हमें दे रखा है सवाल के अंदर, क्वेश्चन नंबर 7 है ये, सवाल में दे रखा है नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स
टैक्स दे रखा है सर, कितने दे रखा था 25,000। अब हमें पहले एड बैक करना है, इसमें क्या करना है, प्रोविजन फॉर फॉर टैक्स, कितना है प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स क्या है, सवाल दिखाता जाऊंगा और आप नोट भी करते जाएंगे, ठीक है, प्रॉपर दिख जाएगा आपको। प्रोविजन फॉर टैक्स क्या दे रखा है, अगर हम क्वेश्चन में देखें तो प्रोविजन फॉर टैक्स दे रखा है 20,000, 22 का और 25,000। तो 20 और 25 को अगर देखें तो 5,000 रुपये हमारा, सॉरी करंट ईयर का हमारा 25,000 है, तो ऐड बैक कर दीजिए इसमें क्या 25,000। अब डिविडेंड इसके अंदर ऐड हो जाएगा क्योंकि कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है नहीं। कहता है प्रपोज डिविडेंड पेड, डिविडेंड कहता है ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च, 22 का हमारा 10,000 और 23 का 15,000, तो 15,000 रुपये को डिविडेंड को क्या कर दें, डिविडेंड ऐड कितने 15,000 रुपये। और क्या है देख लेते हैं, और इंटरेस्ट दे रखा है, रिडीम दे रखा है, बोनस शेयर ऑन सिक्योरिटी दे रखा है, डेप्रिसिएशन और जनरल रिजर्व भी दे रखा है, नहीं दे रखा है ये भी चेक कर लेते हैं। नहीं, यहाँ पे टैक्स मेड निकलेगा, यहाँ पे टैक्स ना मेड निकल रहा है हमारा, कितने का 23,000 का सर, यहाँ पे टैक्स ना अकाउंट बनेगा क्योंकि यहाँ पे एडजस्टमेंट दे रखा है प्रोविजन फॉर टैक्स ड्यूरिंग द ईयर पेड। जब पेड आपको दे रखा है, प्रोविजन मेड आपको दे रखा है 23,000, तो आपको ये लेना है मेड वाला। अब यहाँ पे क्या था हमारा, एक तो ये था प्रीवियस ईयर करंट ईयर, उसके बाद एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट होता है तो अकाउंट बना के निकालते हैं, तो अकाउंट बना के ये निकल गया हमारा क्या मेड। और डिविडेंड की बात करें तो हमें 22 का डिविडेंड दे रखा है और 23 का डिविडेंड दे रखा है, तो हमें 22 वाला डिविडेंड यहाँ पे लेना पड़ेगा क्योंकि 23 वाला डिविडेंड तो करंट ईयर का डिविडेंड है और करंट ईयर वाले डिविडेंड का तो कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। तो अब सिंपल सी बात है, इसको आप जब प्लस माइनस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा 58,000 आपका। और इसके हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे लिख रखा है प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कितने 58,000। इसके बाद इन्होंने क्वेश्चन करना पूरा स्टार्ट किया, जब पूरा क्वेश्चन हमने करना स्टार्ट किया तो अब इस वाले पार्ट में आपको डिविडेंड नहीं दिखेगा ऐड होने को, इस वाले पार्ट में आपको डिविडेंड नहीं दिखेगा ऐड होने को, इस वाले पार्ट में प्रोविजन फॉर टैक्स का ऐड वाला ट्रीटमेंट नहीं दिखेगा क्योंकि हम पहले ही कर चुके हैं, हमने कौन सा प्रॉफिट पिक किया होगा ये वाला। तो कुछ एक सवाल मैं ना बिफोर टैक्स के हिसाब से छोटे छोटे सवाल मैं PDF बना के अपलोड कर दूंगा और बाकी जो ऑफलाइन वाले बच्चे उनको शेयर कर दूंगा ताकि बस प्रैक्टिस कर लो। ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसके अंदर बहुत बड़ी ऐसी बात है जिसमें कि आपको दिक्कत होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। समझ में आ रही है बात आपको? तो आज के टॉपिक में हमने क्या सीखा है, आज की क्लास हमने ज़्यादा लंबी भी नहीं ली, जो भी जितनी बड़ी भी क्लासेस ली है, आज का मुद्दा था कि कैश फ्लो स्टेटमेंट। एक बच्चे का डाउट भी था स्टिल कि सर सातवां क्वेश्चन समझा दो। अगर जिस बच्चे ने सेमेस्टर चार वाले बच्चों ने, अगर किसी ने जिसने 10 ईयर बुक जो भी व्हाटएवर किया हो, ये डाउट आता है, इसलिए मैंने बता दिया। अब मैं बोलना चाहूंगा आप हमारे वाले तरीके से कर लेते हैं जो पहले सीखा था, जो बुक के अंदर सॉल्यूशन है उसको हम इग्नोर कर दें और हमारे वाले तरीके से कर ले, तब भी हमारा आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा और गलत बिल्कुल भी नहीं माना जाएगा। लेकिन सबसे टॉप पे जो लिखेंगे ना, वो जरूर एग्जामिनर को मेंशन कर दीजिए कि हम आफ्टर टैक्स के हिसाब से ले रहे हैं या बिफोर टैक्स के हिसाब से ले रहे हैं। दूसरा, अगर 4 नंबर का या 6 नंबर का सवाल आ जाए कि आपको सारी जानकारी दे दे और पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट बोले के कैलकुलेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो आपको ये चीजें करके यहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है ना।